नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक हीरो की चैनल में आपका। और आज हम देखने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल का स्प्लाइसिंग कैसे करते हैं प्रैक्टिकली फील्ड में। तो फील्ड में चलते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पे एक केबल कट गई है। इसका स्प्लाइसिंग के लिए दोनों एंड को तैयार किया जा रहा है, इसको बोलते हैं फिजिकल बनाना। फिजिकल बनाने के लिए केबल को पहले पील किया जाता है, ऊपर का केसिंग, देन इसके अंदर का केसिंग को पील किया जाता है। आप ये देख रहे हैं, छोटा सा एक टुकड़ा पहले निकालेंगे, इसमें से एक नायलॉन का थ्रेड हमें मिल जाएगा, उससे उसको खींच के ये पूरा केसिंग कट कर सकते हैं और इसको फिर इजीली हम अलग कर सकते हैं। ये जो केबल है एक्स्ट्रा डाली हुई है ताकि जो कट गई है दो केबलें उनके बीच में ये एक टुकड़ा डाल के इसको जॉइंट किया जाएगा, क्योंकि जॉइंट करने के लिए काफ़ी स्पेयर केबल चाहिए होती है तो वो उस कट पर नहीं बन सकता, इसलिए एक्स्ट्रा एक केबल का पीस डालना पड़ता है और इसलिए दो जॉइंट होते हैं। अगर एक केबल कट जाती है और स्पेयर केबल नहीं मिलती है आपको आसपास से कहीं से, तो आपको दो जॉइंट बनाने पड़ेंगे और दो जॉइंट के लिए दो क्लोजर तैयार करने पड़ेंगे। ये केबल पील हो गई है और जो ट्यूब्स है इसके अंदर फाइबर्स है, जाली से ये काफ़ी चिकने हो जाते हैं, इसलिए इसको क्लीन कर लिया जाता है कपड़े से। छह ट्यूब्स हैं, कलर कोडिंग से इनके नंबरिंग होती है, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, स्लेटी, वाइट, ब्राउन। इसी तरह दूसरी केबल का एंड भी ये तैयार कर लिया है इन्होंने, फिजिकल पीलिंग कर ली है। उसमें एक ही ट्यूब है, इनको क्लोजर असेंबली में लॉक कर लेते हैं। यहाँ से राइट साइड से इन किया गया, वॉशर लगा दिए ताकि धूल मिट्टी या पानी इसके अंदर नहीं जाए, और अच्छे से टाइट कर देते हैं। इसके बाद में ये ट्यूब्स को पील किया और कॉटनी सॉफ्ट पेपर से फाइबर्स को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी जेली भरी होती है तो वो भी हाथ चिकने कर देगी, वो काम करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। एक ट्यूब में चार फाइबर होते हैं, इन चारों को स्लीव्स में डाल लिए हैं। स्लीव्स में अभी चूंकि हम एक्चुअल केबल है वो 12 फाइबर की है और जो स्पेयर केबल टुकड़ा जो हमने डाला है वो 24 का है, तो हमें केवल 12 ही यूज़ करने हैं, तो उसमें से तीन ट्यूब्स हमारे यूज़ में आने वाली है, तीन ट्यूब्स स्पेयर रह जाएगी। तो हमने पिलिंग जो की है वो केवल तीन ट्यूब्स की है, तीन ट्यूब्स स्पेयर में पड़ी है, उसको हम नीचे ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। तो बाकी तीन में स्लीव्स डाल ली है। इसके बाद में इन फाइबर्स को वन बाय वन नंबरिंग के अकॉर्डिंग स्ट्रिपर से इसकी कोटिंग हटाई जाएगी और उसके बाद में क्लीनिंग, कटिंग एंड स्प्लाइसिंग। ऑलराइट, ये स्ट्रिपर से नंबर वन फाइबर को स्ट्रिपर से हमने कोटिंग हटा ली है, ब्लू वन नंबर, ऑरेंज सेकंड नंबर, ग्रीन थर्ड नंबर एंड ट्रांसपेरेंट इज फोर्थ नंबर। देन सेकेंड ट्यूब ऑरेंज के भी यही चार कलर होंगे जो कि 5, 6, 7, 8 नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड ग्रीन ट्यूब में भी सेम यही चार कलर होंगे जो 9th, 10th, 11th, 12th फाइबर को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए मशीन ऑन करते हैं। एक LCD पैनल दिया हुआ है डिस्प्ले के लिए जो दिखाता रहता है कि क्या प्रोसेस चल रही है। यूज़ करने से पहले क्लीनिंग कर लेनी चाहिए इसकी और कटर की, ताकि इजीली स्प्लाइस हो सके, अदरवाइज बार बार कुछ ना कुछ एरर आती रहेगी अगर डस्ट पार्टिकल्स अंदर रह जाएंगे तो। दूसरी जो 12 फाइबर की केबल है उसका कलर कोडिंग थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसमें एक ही ट्यूब में 12 फाइबर होते हैं, तो उस फाइबर में कलर कोडिंग ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन
रेड, येलो, ब्लैक, रोज, ट्रांसपेरेंट, वायलेट, स्लेटी एंड मिल्की वाइट। ये इस तरह के कलर कोडिंग होती है इसकी। तो ये फाइबर्स को हमने स्ट्रिपर से कोटिंग निकाल ली है। अब एक सॉफ्ट कॉटन पेपर से आईपी सॉल्यूशन में भिगो के इसको हम रिंज और क्लीन कर लेंगे। देन डायमंड कटर रखा है, उससे इसकी कटिंग होगी और कटिंग होने के बाद में स्प्लाइसिंग मशीन के अंदर इसको रख देंगे। प्रॉपर प्लेस पे रखने के बाद में थोड़ा बहुत अलाइनमेंट मशीन अपने आप कर लेगी, और अलाइन करने के बाद में अगर कोई एरर नहीं आती है, जैसे कि फाइन एज कटिंग प्रॉपर है, पीलिंग प्रॉपर है, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, तो उसे स्प्लाइस कर देगी आर्किंग मेथड से डिफ्यूज़ करके। अदरवाइज मशीन अपने आप डिस्प्ले पर एरर दे देगी कि प्लेसिंग सही नहीं हुई है तो रिप्लेस दी फाइबर, अगर कटिंग सही नहीं है तो आपको फाइबर के एंड्स पे कुछ ना कुछ बबल या इरेगुलर उसका शेप दिखेगा, तो उसको वापस से आपको कट करना पड़ेगा। और अगर स्प्लाइस होने के बाद में उसमें कुछ बबल्स रह जाता है तो कोर में बबल एरर का मैसेज भी आपको मिल जाएगा। स्प्लाइस होने के बाद में उसमें कितना लॉस क्रिएट हुआ है वो भी आपको दिखा दिया जाएगा कि स्प्लाइसिंग कंप्लीट हो गई है और इतने डीबी का लॉस इसमें रह गया है। तो अगर लॉस कम है तो इट्स ओके 0.1 या 0.2 डीबी, लेकिन अगर 0.01, 0.02 और 0.03 इससे ज़्यादा है तो आपको वापस बना लेना चाहिए जॉइंट, अदरवाइज लॉस बढ़ता जाएगा। तो वन बाय वन और नंबरिंग के अकॉर्डिंग ये अपना ग्रीन थर्ड फाइबर स्प्लाइस हो रहा है। फर्स्ट ट्यूब कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड ट्यूब का ग्रीन है, मीन्स ये अपना सेवेंथ नंबर हो गया। और इसी तरह थर्ड ट्यूब आ जाएगी। तीनों ट्यूब तैयार हो जाने के बाद में स्लीव्स को उस प्लेस तक लेके जाएंगे जहाँ पे जॉइंट बना है, और उसको श्रिंक रैप कर देंगे हीटर में रख के। एक ट्यूब तैयार हो चुकी है, दूसरी हीटर के अंदर है और थर्ड ट्यूब अभी बनने वाली है। वीडियो बीच में पॉज कर दिया गया था फास्ट फॉरवर्ड, ताकि सारे फाइबर्स को बनाते हुए देखने की ज़रूरत नहीं है। एक दो फाइबर हमने देख लिए हैं, सेम उसी तरह से बाकी के सारे फाइबर्स स्प्लाइस हो जाएंगे। तो अननेसेसरीली वीडियो को लंबा करने से कोई मतलब नहीं था। ये प्रॉपर अलाइनिंग ऑफ स्प्लाइस्ड फाइबर। देन इसको हीटर में रख के श्रिंक रैप कर देंगे। श्रिंक रैप होने के बाद में तीनों ट्यूब्स हमारी तैयार हो जाएगी। तीनों को उस क्लोजर असेंबली में रखेंगे, टेप से उसको चिपका के अपनी जगह पे पोजीशन होल्ड करेंगे। बाकी के केबल एंड्स को टाई से एकदम टाइट कस दिया जाएगा, और जो क्लोजर असेंबली में ऊपर और नीचे की तरफ कुछ जगह दी हुई है, ये आप हुक्स देख सकते हैं, इसके अंदर फाइबर को राउंड 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 लूप्स बना के एक्स्ट्रा फाइबर जो भी है उसको इसमें रख देंगे, और टेप से इसको अपनी जगह पे होल्ड कर देंगे। असेंबली
अच्छे से क्लोज करके बेल्ट से इसको बांध देंगे और इसकी केसिंग जो है उसके अंदर रख के बिल्कुल लॉक कर दिया जाएगा। ये देखिए फाइबर के दोनों एंड्स को केबल टाई से बांध दिया है, इसी तरह दूसरी तरफ का भी केबल टाई से टाइट कस दिया जाएगा। चलिए अब रखते हैं ट्यूब्स को। स्लीव्स रखी, टेप से इसको स्टिक करके अपनी जगह पे होल्ड कर देते हैं। ये लूप्स बना के एक्स्ट्रा फाइबर को यहाँ पे हुक्स के अंदर रख दिया जाएगा। इसी तरह ऊपर वाले जो फाइबर है स्पेयर उसको भी थोड़ा लूप बना के और इसमें रख देंगे। टेप से इसको भी अपनी पोजीशन होल्ड करने के लिए थोड़ा चिपका देंगे ताकि ऊपर ना आए, और ऊपर जो असेंबली है बाकी की प्लेट्स उससे इसको कवर करके रख देंगे। तो इस तरह से ये ओएफसी स्प्लाइसिंग होती है। अभी तो काफ़ी एडवांस टेक्निक्स है और मशीन्स काफ़ी एडवांस्ड वर्जन होता है।